जबकि राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। ये उनकी पार्टी कुछ वही बात कहने वाला था। सर सुनिए, आप चूक गए तो चूक गए, डाल से जो चूक गया वो चूक गया। देखिए परिभाषा का मतलब क्या है, जो आपने बोला परिभाषिक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। तोल मोल के बोल, सारे नेता तोल मोल के ही तो बोलते हैं, पहले तोल और मोल कर लेते हैं, कितना पैसा मिलेगा इस बयान का और इसका क्या असर पड़ेगा, सेंसेशन होगा, वोट बैंक सधेगा कि नहीं सधेगा, तो तोल मोल के बोलते हैं इस, तो तोल, ये आपकी बात सही है, तोल मोल के ही बोल रहे हैं भाई, पैसा जो है मोल कर लेते हैं और उसको तोल लेते हैं कितने वोट आएंगे। जो मिश्रा जी ने कहा कि बी टीम होती है, बिल्कुल मैं इनकी मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल इसके लिए आपको लगता है कि इस तरह के नेता ज्यादा जिम्मेदार होते हैं या राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार? राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अपना भारत देश लोकोक्ति कहा होते हैं, यानी स्टेटमेंट, भाई पहले भी तो संस्कृत में इतने बड़े बड़े नीति वाक्य और स्टेटमेंट विद्वान देते रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता था कि पूरे समाज की भलाई हो। आज इतनी गिरावट आ गई है कि ये जो स्टेट्समैन है हमेशा कड़वा बोलते हैं, निगेटिव अर्थ वाली चीजें बोलते हैं सारी पार्टियों का। मैं राजनीतिक दल को इसलिए मैं मानता हूँ, ओवैसी जी सबसे ज्यादा बयान देते हैं, जरा उनको हटा लीजिए, ये उनकी पार्टी कुछ वही बात कहने वाला था। सर सुनिए, आप चूक गए तो चूक, डाल से जो चूक गया वो चूक गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है, समाजवादी पार्टी में देखिए मणिशंकर अय्यर को देखिए, मैं ये हास्यास्पद, इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अगर ऐसे नेताओं को हटा दे और कार्रवाई कर देना तो पार्टी ही खत्म हो जाए। किसको किसको आप हटाएंगे, सारी पार्टियों में देखिए, कांग्रेस बीजेपी इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने गंदे गंदे बयान आए हैं। इसके इसका साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये होता है इनकी एक बी टीम होती है, इनके अंदर एक सहमति होती है कि यार आप इस मुद्दे को सेंसेशनल बयान में प्रेजेंट करो, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, उसको हिट कराने के लिए एक सेकंड दो सेकंड का हीरोइन का कोई पोज, हीरो का कोई पोज, फाइट का पोज, तो ये पॉलिटिक्स में उस तरीके के पोज तो दे नहीं सकते हैं, तो बयान से देते हैं। अगर वो सेंसेशन पैदा कर दिया, जिसको पॉलिटिकल क्यूज बोलते हैं, तो बाद में वो एक मुहिम बन जाती है और वो फिर एक मुद्दा में कन्वर्ट होकर के इलेक्शन जीत लिया जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतने गंदे बयान देने के बाद भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं किसी के ऊपर एक्शन लेती है, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो जत्था है, जो लीडिंग उनके नेता है, वो सब मिले हैं, आंख मूंद लेते हैं। एक और मैं आपको लीगल बात बताता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर होती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसका संविधान बनता है, उसमें वो सारे नियम कानून लिखे रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये नियम है कि इस तरह के बयानबाजी और एक्शन का कहीं कोई जगह नहीं है, सारी पार्टियों का डिक्लेरेशन होता है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी करती है। दुखद बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो शायद लीगल एक्शन वो भी ले सकती है, पार्टी या उनका जो है सदस्यता ही खत्म कर दे, पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दे, वो भी नहीं होता है, ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब बनता है तो ऐसे चीजों को अलाउड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर के नेता भी मिले रहते नहीं है। सवाल तो यही है, हम तो यही कह रहे हैं ना इसीलिए कि राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार क्यों नहीं माने जाने चाहिए। अगर कोई पार्टी का नेता इस तरह की बयानबाजी लगातार करता रहता है या किसी भी दल का कोई नेता बयानबाजी करता है, अगर उसके बयानबाजी को बर्दाश्त किया जाता है, यानी कि पार्टी संविधान भी कहीं ना कहीं उस पर सहमति है, संविधान और नैतिकता के आधार पे सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है पार्टी की या पार्टी के अध्यक्ष की, हम या डिसीजन में वही तो कह रहे हैं कि नैतिकता रही है क्या आज के दौर नहीं में रही है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं माने जाते हैं ये लोग जिम्मेदार, क्यों नहीं माने जाते हैं, उसके लिए इसलिए नहीं माने जाते हैं कि गुनाह करने वाला भी जब वही आदमी है, जज भी वही है, वकील वही है, तो या तो इतना बड़ा नैतिक पुरुष हम ढूंढे कोई इतिहास से जो है अवतरित हो, जो कि खुद बोले कि हाँ भाई मेरी ये गलती है इसलिए मैं त्याग पत्र देता हूँ या मैं खुद को सजा देता हूँ, वो 1100 ईस्वी के पहले तक होता था, उसके बाद से नैतिकता का हमेशा पतन हुआ रहा है। यानी कि नैतिकता पर हम बात जरूर कर रहे हैं लेकिन नैतिकता आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, इस पर संशय ही बना रहेगा। नहीं, नैतिकता पे हम बात भी नहीं कर रहे हैं, कहां नैतिकता की बात हो रही है, हम तो ये बात करेंगे ना। जो मिश्रा जी ने कहा कि बी टीम होती है, बिल्कुल मैं इनकी मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि ए टीम हर पार्टी में काम करती है और उसे लगता है कि मुद्दों से जनता को भटकाना है या दूसरे मुद्दों पर देश में बहस करानी है तो बी टीम को सामने करते हैं। मैं एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, हम ये तमाम बयान, एक कोई एक बयान इस तरह के नहीं है, तमाम नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है,
लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई करने से इतना कतराती क्यों है, जब पानी लगता है कि नाक से ऊपर जा रहा है या फिर लग रहा है कि पार्टी को अब नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्या तभी कार्रवाई होती है? देखिए, कार्रवाई केवल प्रेशर में होती है, मैं आपको बता दूं, इतनी लेथार्जिक होती है पॉलिटिकल पार्टी और इनडायरेक्ट वे में। देखिए, शोले अगर हिट हुई थी तो अमिताभ और इनके कारण नहीं, गब्बर सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो एसेट्स होते हैं ना, इनको निगेटिव एसेट्स बोलिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव एसेट्स होते हैं। हर पार्टियों में इस चीज पे मंथन होता है कि यार कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिससे हिट हो जाए, जो लहर चल जाए। तो क्या हुआ, नाम तो होगा। हाँ, बदनाम हुए तो क्या हुआ। मैंने बोला ना कि निगेटिव किरदार जो है ज्यादा किसी चीज को हिट करते हैं। मेरा एक ही कहना है, देखिए कथनी और करनी में सिद्धांत की बात सारी पार्टियां करती हैं, तो आप लिस्ट बनाइए ना और हटाना शुरू करिए सबको, जो पार्टी बोले कि हम बड़े सिद्धांत वाले पार्टी हैं, हम एक्शन लेते हैं, तो बनाइए जरा नेताओं की लिस्ट और हटाना शुरू करिए। कार्यकर्ता से लेकर के उस पार्टी के जो टॉप लीडर है उनको हटाना पड़ जाएगा। कौन सी पार्टी का टॉप लीडर है हर पार्टी में, आप बताइए, मैं गिनाना शुरू कर दूं। ऐसे ऐसे शर्मिंदा कर देने वाले बयान इन लोगों ने दिए हैं, जिसकी की फैमिली में या किसी यार दोस्त या एक सिविल सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में आप चर्चा नहीं कर सकते। आप इसका उदाहरण भी कहीं नहीं दे सकते हैं, आप इसको मीडिया में नहीं छाप सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं कि हम डिबेट में नहीं बोल सकते कि भैया फलाने ने ये चीज बोला, ये तो गलत है। मतलब गलती की भी जो एक परिसीमा होती है उसको लांग जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक मानसिकता आजाद भारत में ये डेवलप हुई है ना। एक्चुअली संविधान में इतने ज्यादा इनको अधिकार दे दिए गए हैं कि ये अपने आप को एमपी एमएलए नेता होने का मतलब निरंकुश, उनके ऊपर नैतिकता का कानून का कोई डंडा नहीं चल सकता है। यही कारण है। और रही बची खुशी कसर ये पार्टी के नेता कर देते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाएंगे, उन्हीं को मिनिस्टर बनाएंगे। नहीं, एक सवाल इस बात को, जैसा आपने कहा कि नैतिकता तो अब उम्मीद करें ही नहीं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह के बयानवीरों की भरमार है सभी राजनीतिक दलों में। डिक्शनरी से हटा दीजिए सर, डंडा अपना तैयार रखिए ऐसे नेताओं के खिलाफ। जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि कुछ आप एक लिस्ट बनाइए, फेरिस्त बनाइए और उनको बाहर कर दीजिए। इस हिसाब से हर पार्टी में चार लोग भी नहीं बचेंगे। नेताओं को लगता है कि अगर इतनी मर्यादा पार कर जाएंगे, अच्छा जी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो जाएगा। कौशिक सर देखिए, अक्षय जी आपने बड़ा सही बोला, तोल मोल के बोल। सारे नेता तोल मोल के ही तो बोलते हैं, पहले तोल और मोल कर लेते हैं, कितना पैसा मिलेगा इस बयान का और इसका क्या असर पड़ेगा, सेंसेशन होगा, वोट बैंक सधेगा कि नहीं सधेगा, तो तोल मोल के बोलते हैं। इसके लिए ये बोला जाए कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू जान के तब मुख बाहर आन। तो तोल, ये आपकी बात सही है, तोल मोल के ही बोल रहे हैं भाई, पैसा जो है मोल कर लेते हैं और उसको तोल लेते हैं कितने वोट आएंगे। मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जो अभी डॉक्टर कौशिक ने कहा था कि ऐसे लोगों का इलाज क्या, उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जाएगा जो ऐसी सभाओं में तालियां बजाने का काम करते हैं या ऐसे बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया में खुशी जाहिर करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर राजनीतिक बुराइयां आई हैं, देश की दुर्दशा हो रही है, तो इसके पहले सबसे पहले जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो हम जैसे वोटर हैं। भाई, हम जैसे वोटर, देश की जनता ही तो राजनीतिक दलों को जिताती है, हराती है या सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी किताब में कहां लिखा है कि आप ऐसे बोलिए, कहीं मान्यता नहीं है, कहीं स्पेस नहीं है उसके लिए। तो पहली जिम्मेदारी तो यह है कि देश की जनता इस चीज को डिसाइड करे, कि कैरेक्टर पहले देखे, उनकी बोली भाषा पहले देखे। वो इतने मस्त हो जाते हैं सीटी बजाने और तालियां बजाने में कि मैं आपको क्या बताऊं, जो है इतनी ज्यादा जो है वो है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मैं बोलता हूं कि चलिए 120 करोड़ की जनता है, वो जल्दी से किसी मुद्दे पे यूनाइट नहीं हो सकते, कोई लीडरशिप नहीं है इस चीज पे। तो राजनीतिक पार्टियां जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मजबूर है, उनको गाइडलाइन है कि इन चीजों के लिए आपके पार्टी में कहीं कोई, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन और इनके संविधान या अपने संविधान में हर जगह लिखा हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। इन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को एकदम किनारे रख दिया है, क्योंकि कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है। हाँ, ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट है इथिकली उसको त्याग दिया है। तो अगर राजनीतिक पार्टी, इसमें तो मैं बीजेपी को फिर भी थैंक्स बोलूंगा, कम से कम उन्होंने 2-4 बार ऐसे एक्शन लिए हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है। इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि जरा दूसरे दल के बड़े नेताओं को बोलिए, चलिए भाई गलती कोई करता है तो सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, 2-3 बार, कई बार तो कोर्ट भी बोलती है अवमानना के नोटिस वगैरह इन सब चीजों में कि चलिए भाई आपने माफी मांग ली, आप सुधरिए, आगे से मत बोलिए, चेतावनी एक दूसरी चीज है, 2-3 बार आप 10 बार चेतावनी दीजिए, सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। लेकिन कम से कम हर पार्टी के बड़े नेता कम से कम इस चीज पे बोले तो सही कि हाँ भाई, मेरे पार्टी के एक नेता ने, एक आदमी ने जो है ये बुरा बोला है और उनको चेतावनी दी जाए।
जाती है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आगे से सुधर के बोले। नहीं, आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की, आपको लगता है कि एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी को परिभाषित किए जाने की जरूरत है? सर, अभिव्यक्ति की आजादी रीडिफाइन हुई ही कहां है? जो अभिव्यक्ति की आजादी प्रिंसिपल बेस, देखिए परिभाषा का मतलब क्या है, जो आपने बोला परिभाषित, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन, दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन या परिभाषा वही होती है जो हजारों सालों में हर परिस्थिति में सेम हो, जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो, कि भाई सही क्या है, सही कौन सी चीज है, कौन सी एक्टिविटी सही है, इसकी परिभाषा 1,00,000 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है, और 1,000 साल बाद भी सही चीज की परिभाषा वही है जो आज है वही रहेगी। तो इसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने छद्म तरीके से जो इसको ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि भाई कुछ भी बोल दो।